2007 T20 वर्ल्ड कप और 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप में जीत के हीरो रहे युवराज सिंह ने सोमवार को इंटरनेशनल क्रिकेट से हमेशा के लिए संन्यास की घोषणा कर दी है, जिसके बाद क्रिकेट प्रेमियों में मायूसी की लहर दौड़ गई। मेलबर्न के क्रिकेट प्रेमियों का क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं इस खबर के जरिए। सीमित ओवरों के क्रिकेटर में गेंदबाजों की नींद उड़ाने वाले और जीते की चपलता से मैदान पर गेंद को लपकने वाले भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ियों में शुमार युवराज सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर स्कोर हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है और उन्होंने कहा कि यह उनके लिए काफी भावनात्मक पल है और उनका करियर एक रोलर कोस्टर की तरह रहा है। युवराज ने कहा कि वह काफी समय से रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे थे और अब उनका प्लान Will you still be playing cricket? Like, yeah, definitely. I want to go and play some. Definitely go and play T20 cricket. I think at this age, I can manage to play some kind of fun cricket, and I want to go and enjoy my life. You know, it's been too stressful just thinking about international career, performing. You know, big tournaments like IPL, and hopefully, I just want to go and enjoy myself. Obviously, with BCCI permission, I would love to go and play and. Just have fun for this year or maybe next year. I don't know what's left in me. I just want to go and have fun and just enjoy time for myself. You know, it's been a very long and hard journey, and I think I deserve that. I've had a word with BCCI, and obviously I will have another word after this announcement, and hopefully it'll be easy sailing for me. Yuvraj, two questions. Such an excellent career in limited over cricket, 50 overs in T20. ICC द्वारा मान्यता प्राप्त T20 टूर्नामेंट में खेलने का है। युवराज ने अपना अंतिम टेस्ट साल 2012 में खेला था। सीमित ओवरों के क्रिकेटर में वह अंतिम बार 2017 में दिखे थे। युवराज ने साल 2000 में पहला वनडे, 2003 में पहला टेस्ट और 2007 में पहला T20 मैच खेला था। क्रिकेटर युवराज सिंह की ओर से लिए गए फैसले के बाद मेंट्री के क्रिकेट प्रेमियों का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। This is a high ball from Yuvraj. He's tried to airmail that one. Get on that. Oh, he's in good touch. He is in good touch. वो उन्होंने अभी अपना थोड़ा देख के परफॉर्मेंस को संन्यास लिया है और थोड़ा अच्छे खिलाड़ी हैं और उन्होंने T20 में सिक्स बॉल में सिक्स भी मारे हैं जो उन्होंने प्रैक्टिस में नहीं मारे थे, उन्होंने खुद बोला था। क्या खूबी रही है युवराज सिंह की? युवराज सिंह की फील्डिंग काफ़ी अच्छी रही है और बैटिंग में कोहली काफ़ी अच्छा मारते थे। सर वो बहुत बड़े प्लेयर थे और उन्होंने 2011 का वर्ल्ड कप भी जिताया, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा था उनका। चौथे और पाँचवें नंबर पे जो बैट्समैन एक ऑलराउंडर बैट्समैन की इंडिया टीम में हमेशा ज़रूरत रही है, तो उसको बखूबी उन्होंने निभाया है। और वर्ल्ड कप 2011 में भी जैसे कैंसर से पीड़ित थे उसके बाद वापस आए और अच्छा परफॉर्मेंस किया बैटिंग से भी और बॉलिंग से भी, तो उनकी कमी इंडिया टीम में हमेशा रहेगी। बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कम ऐसे ऑलराउंडर मिल पाते हैं जो लेफ्ट हैंडर बैट्समैन और बहुत ही अच्छे बॉलर। क्या लगता है कि थोड़ा और मौका देना चाहिए था? मौका मिलना चाहिए था, लेकिन क्योंकि वो खुद जानते थे कि उनकी फ़िटनेस अब उस लेवल की नहीं थी, क्योंकि जिस लेवल पर अब इंडिया क्रिकेट पहुँच चुके हैं, जिस लेवल पे बहुत अच्छे प्लेयर्स पहुंच चुके हैं, आईपीएल में भी हमने देखा कि उनको सिर्फ दो मैचेस में मौका मिला। जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं फिटनेस उनके बीच में प्रॉब्लम आ रहा था, अदरवाइज प्लेयर बहुत अच्छे हैं नो डाउट इसमें और हमेशा उनकी कमी इंडिया टीम में रही। अमन इंटरनेशनल स्कूल, हमारा पता है नियर श्री धीरेंद्र कोल्ड स्टोरेज, भामत रोड, मैनप्री। प्रवेश प्रारंभ। हमारे स्कूल में साइंस एंड कॉमर्स दोनों की ही सुविधाएं हैं। हमारे यहाँ स्विमिंग पूल, स्केटिंग, बैडमिंटन, स्मार्ट क्लास हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर के टीचरों की व्यवस्था है। छात्रों को लाने और ले जाने बस की व्यवस्था, एक्स्ट्रा क्लासेस की व्यवस्था, कमजोर बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस की व्यवस्था। अमन इंटरनेशनल स्कूल, हमारा पता है नियर
श्री धीरेंद्र कोल्ड स्टोरेज भामत रोड मैनपुरी पारुल हॉस्पिटल SRS नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज ब्रह्मदेव मंदिर ऑनलाइन मंडल आगरा रोड मैनपुरी ICU NICU PIC एवं वेंटिलेटर की सुविधा सिर की गंभीर चोट का इलाज एवं जांच 24 घंटे सुविधा उपलब्ध इमरजेंसी इंटेंसिफायर द्वारा हड्डी फ्रैक्चर एक्सीडेंट एवं कंसॉर्ट का इलाज सभी प्रकार की बीमारियों का उपचार एवं ऑपरेशन दूरबीन विधि द्वारा पित्त की थैली की पथरी गुर्दे की पथरी हार्निया रसौली अपेंडिक्स हाइड्रोसील प्रोस्टेट एवं बच्चेदानी का ऑपरेशन स्वच्छ जनरल वार्ड इमरजेंसी वार्ड प्राइवेट वार्ड AC की सुविधा अनुभवी नर्सिंग स्टाफ 24 घंटे उपलब्ध हमारा मोबाइल नंबर है 9152604315 7830145860892390176